और अब बात उपचुनाव की। 7 राज्यों पर 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। किस सीट पर क्या है समीकरण, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राज्य की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग हो रही है। पिछले साल अक्टूबर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। मुस्लिम और दलित बहुल मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। इस सीट पर पहले कांग्रेस या बीएसपी का कब्जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के साल मार्च में इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। अब आपको एक एक करके इन दोनों सीटों पर मुकाबला बताते हैं। सबसे पहले बात मंगलौर की। मंगलौर से बीएसपी ने उबेदुर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा। इनका मुकाबला कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना से है। वहीं बद्रीनाथ से बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी तो कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला को चुनावी मैदान में उतारा।